friends, today we will study maths of standard 7 chapter number 1 integer. Last lecture में हमने properties addition और subtraction के साथ study की थी. Now we are studying properties of multiplication of integers. First है closure property. Closure property it means जब भी कभी हम two integers का multiply करेंगे, suppose 1 मल्टीप्लाई 2, तो हमको एक इंटीजर ही आंसर में फाइंड होगा. इसको बोलेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी. देन होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किसी भी टू इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर उसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो भी हमको आंसर में वही इंटीजर फाइंड होता है. सपोज -1 इंटू -2 is equal to minus minus plus and 2 ones are 2. Same thing -2 multiply -1. यहाँ पर हमने order change कर दिया है. 2 ones are 2 and minus minus plus. So answer is same. Next है associative property. Associative property के अंदर multiplication 3 numbers का 3 integers का multiply करते हैं हम. यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज होने के बाद भी आंसर हमको सेम मिलता है. सपोज हमने इंटीजर्स लिए हैं ए एंड बी के प्लेस पे लिया हमने 2 एंड सी के प्लेस पे लिया 4. अब यहाँ पर ये यह हमारा ऑर्डर है 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 4 4 6 24 एंड हमको -24 प्लस माइनस -24. सेम इस ऑर्डर को हम अगर सॉल्व करें ए मीन्स हमने ए के प्लेस पे लिया है -3, बी के प्लेस पे लिया है हमने 2 एंड सी के प्लेस पे लिया है हमने 4. तो यहाँ पर -3 4 2 8 8 3 24 24 यहाँ पे भी ये प्लस माइनस है तो माइनस. सेम आंसर हमको यहाँ पर दोनों. अगर हम थ्री इंटीजर्स लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में और उसके ऑर्डर चेंज करने पर भी हमको आंसर सेम मिलता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में हम ऑपरेशंस लेंगे. अब यहाँ भी हमने सपोज ए के प्लेस पे लिया 6, बी के प्लेस पे लिया -5 प्लस सी के प्लेस पे लिया 2. इसको सॉल्व करेंगे हम 6 मल्टीप्लाई -5 और 2. यहाँ पे -5 में से 2 को हम प्लस माइनस इसलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे. यहाँ पे अपोजिट साइन होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है. तो -5 में से 2 माइनस करेंगे तो -3 मिलेगा हमको. 6 3 18 एंड प्लस माइनस माइनस. सेम यहाँ पर हमको इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी. तो यहाँ ए के प्लेस पे है 6, बी के प्लेस पे है -5, अगेन ए के प्लेस पे है 6 एंड सी के प्लेस पर है 2. 6 5 30 प्लस माइनस माइनस हुआ 6 2 12. अब यहाँ भी अपोजिट साइन है प्लस है माइनस है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा. 30 माइनस 12 इट मीन्स और ये माइनस का साइन बड़ा है इसके लिए माइनस यहाँ पर आएगा. यहाँ पर भी देखा कि ये हमको दोनों साइन दोनों आंसर रिजल्ट सेम मिले हैं. अब यहाँ पर एक लर्न करने की चीज है कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर माइनस 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 मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है. माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस होगा. प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू ऑल्सो माइनस एंड प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस. ये आपको लर्न रखना है. इसके थ्रू आप ये किसी भी प्रॉपर्टी के थ्रू अगर सॉल्यूशन करेंगे और ये साइन को याद रखेंगे तो आपका आंसर कभी भी इनकरेक्ट नहीं होगा. थैंक यू.